था गौ विषाण, गौ विषाण के नाम से भी जाना था काशीपुर को। और काशीपुर में रुद्रकोट ने भांग की फैक्ट्री शुरू की 1809 में क्रिकेट से प्रवेश करते हुए, और अब काशीपुर में पहुंच गए हैं। काशीपुर में कुमाऊं के प्रसिद्ध कवि लोकरत्न पंत का जन्म हुआ, जिन्हें राजा गुमान सिंह ने गुमानी पंत का नाम देकर सम्मानित किया। काशीपुर एक तहसील भी है और जो तराई क्षेत्र में पड़ता है उधम सिंह नगर के अंदर काशीपुर। अभी उधम सिंह नगर जिले में प्रवेश कर चुके हैं। उधम सिंह जिला का नाम अमर शहीद सरदार उधम सिंह के नाम पर पड़ा। जलियांवाला बाग हत्याकांड के गुनाहगार जनरल डायर को देर से गंगा माँ का दर्शन करते हुए अपने गांव मानिला हसीन वादियों में शाम को मिलेंगे। काशीपुर, काशीपुर में रात को स्टे करेंगे और वहां काशीपुर का थोड़ा ब्लॉग बनाएंगे, काशीपुर का बताएंगे। जय गंगे माँ, हम गंगा माँ को प्रणाम करते हुए अपने गंतव्य स्थान उत्तराखंड देवभूमि की ओर प्रस्थान करते हुए, और आज गंगा में दर्शन किया बहुत मन खुश हुआ। जय गंगे हर हर। नेशनल हाईवे, नेशनल हाईवे से निकलने पर आता पहुंच गए हैं। काशीपुर पहुंचने वाले हैं, काशीपुर के बारे में बताएंगे आपको, उसका वीडियो देखिए। तो देखिए काशीपुर का ब्लॉग। अभी हमने अलीगंज में खाना खा लिया, खेतों में थकान लग गई सुबह से। अब हम जाएंगे काशीपुर। काशीपुर पर वीडियो देखिए, काशीपुर किसने बसाया, कौन से राजा था, चीनी यात्री हुए समय आया था, और महाभारत कालीन में बहुत ही महत्व है। अभी उधम सिंह नगर जिले में प्रवेश कर चुके हैं। उधम सिंह जिला का नाम अमर शहीद सरदार उधम सिंह के नाम पर पड़ा। जलियांवाला बाग हत्याकांड के गुनाहगार जनरल डायर को 13 मार्च 1940 को लंदन के सेंट्रल एशियन सोसाइटी के कार्यक्रम में हत्या कर दी, और शहीद सरदार उधम सिंह के नाम पर ही इस जनपद का नाम पड़ा। जो उधम सिंह जनपद और हरिद्वार जनपद दो ऐसे जनपद हैं जो मैदानी जनपद हैं, और उधम सिंह जनपद का क्षेत्रफल 2542 वर्ग किलोमीटर है, और इसकी जो सीमा लगती है उत्तर प्रदेश से बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत से ये उधम सिंह नगर सीमा ज्वाइंट करता है, और कुमाऊं के नैनीताल, चंपावत से भी इसका संपर्क होता है। उधम सिंह नगर में काशीपुर, किच्छा, खटीमा, स्टारगंज, बाजपुर, जसपुर, गदरपुर, रुद्रपुर ये पड़ता है। उधम सिंह नगर में प्रवेश करते हुए और हम काशीपुर पहुंचेंगे। काशीपुर, बाजपुर, रुद्रपुर सब ये तराई क्षेत्र में आता है, क्योंकि उत्तराखंड का भौगोलिक परिस्थिति के अनुसार जो भौगोलिक भू आकृति है ये मैदानी इलाका है। हरिद्वार और रुद्रपुर दो जनपद ऐसे, हरिद्वार और उधम सिंह नगर दो ऐसे जनपद हैं जो उत्तराखंड का मैदानी जिले कहलाते हैं। अभी हम तराई क्षेत्र में गुजर रहे हैं। तराई में पाताल तोड़ कुएं बहुत पाए जाते हैं, यहाँ पर पानी की पर्याप्त मात्रा है, और हम आपको काशीपुर चलते हैं। काशीपुर का ब्लॉग देखिए, गौ विषाण
काशीपुर को गौ विषाण नाम से भी जाना जाता है। हम उधम सिंह नगर में प्रवेश कर चुके हैं। उधम सिंह नगर उत्तराखंड का तराई क्षेत्र में पड़ने वाला एक जिला है। काशीपुर, रुद्रपुर, बाजपुर ये सब तराई क्षेत्र में है। उधम सिंह जो है यूपी से कनेक्ट है। यूपी के बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत इससे संयुक्त, इसका सीमा संयुक्त है। और हम अभी काशीपुर की ओर जा रहे हैं। काशीपुर पहुंच चुके हैं। काशीपुर अभी हम काशीपुर पहुंच चुके हैं। काशीपुर में जाम लगा है तो अब काशीपुर के बारे में बताएंगे आपको। काशीपुर जो उधम सिंह नगर जिला के अंदर का पड़ता है काशीपुर मार्केट। और काशीपुर की स्थापना 1639 में हुई थी बालाजात पांडे के अनुसार। काशीपुर का नाम चंद्रवंश में, जब चंद्र कुमाऊं चंद्र वंश राजा थे तो उस समय इसका नाम कोटा था। कोटा के नाम से भी काशीपुर को जाना जाता है। काशीपुर में हम मार्केट में एंटर कर चुके हैं। और काशीपुर में बताइए थोड़ा। काशीपुर में यहाँ चंद कुमाऊं के चंद्रवंशी राजा सूर्यवंशी देवी चंद ने अपने अधिकारी काशीनाथ को भेजा था काशीपुर शहर बसाने के लिए। और यहाँ चीनी यात्री ह्वेनसांग आया था मार्केट से प्रवेश करते हुए। और अब काशीपुर में पहुँच गए हैं। काशीपुर में कुमाऊं के प्रसिद्ध कवि लोक रत्न पंत का जन्म हुआ, जिन्हें राजा गुमान सिंह ने गुमानी पंत का नाम देकर सम्मानित किया। महात्मा बुद्ध यहाँ पर एक वहाँ तक अपने धर्मोपदेश दिए। महात्मा बुद्ध भी रहे। मैंने यहाँ काशीपुर का महत्व, ऐतिहासिक महत्व बहुत है। काशीपुर का पुराने काल में काशीपुर का एक नाम था गौ विषाण के नाम से भी जाना जाता काशीपुर को। और काशीपुर में रुद्रफोर्ट ने भांग की फैक्ट्री शुरू की 1809 में। 1801 में काशीपुर का राजा शिवलाल ने काशीपुर को अंग्रेजों के सौंप दिया। राज्य की सबसे पुरानी सूती मिल काशीपुर उत्तराखंड का मैनचेस्टर काशीपुर। काशीपुर को उद्योग की काशी भी कहा जाता है। गुमानी पंत जो कुमाऊं के प्रसिद्ध कवि हुए, उनका जन्म 17 फरवरी 1790 में वर्तमान उधम सिंह नगर जिला के अंतर्गत काशीपुर है। इसका जिनका मूल नाम लोकनाथ या लोक रत्न पंत था, ये काशीपुर नरेश गुमान सिंह के राज कवि थे। यहीं से उन्होंने गुमानी उपाधि मिली। कुछ समय तक ये टेहरी नरेश सुदर्शन शाह के दरबार में भी रहे। बाद में ये ज्यादातर साधु वेश में गुफाओं में निवास करते थे। मूलतः संस्कृत भाषा के कवि थे, फिर भी कुमाऊनी, हिंदी, नेपाली इनकी रचनाएं हैं। सर जॉर्ज गियर्सन ने इन्हें कुमाऊं का सबसे प्राचीन कवि माना। काशीपुर के बारे में आपको कैसा लगा? कैसी जानकारी हमने आपको दी? और सपोर्ट कीजिए काशीपुर के बारे में बताया हमने आज। तो हम काशीपुर में जा रहे हैं अभी। काशीपुर महाभारतकालीन भी है। हाँ, यहाँ काशीपुर में द्रोण सागर भी है। और ऐसे ही महामंदिर है चंद्र देवी वंश का। यहाँ कतियुर वंश का राज था, उसके बाद अंग्रेज आए, अंग्रेजों का राज रहा, उसके बाद हम स्वतंत्र हुए भारत। और आज ये उत्तराखंड राज्य में उधम सिंह नगर के अंतर्गत एक काशीपुर तहसील है, उसके बारे में बताया आपको। और देखिए अच्छा लगे। काशीपुर पे एक व्यस्त मार्केट बन चुका है आज तराई क्षेत्र का। यहाँ पाताल तोड़ कुएं बहुत पाए जाते हैं। और ये तराई क्षेत्र है, यहाँ कृषि के लिए अच्छी मिट्टी है।
और पानी की भरपूर मात्रा है यहाँ पर। तो ये देखिए उभरता हुआ काशीपुर, विकास की ओर जाते हुए काशीपुर, और यहाँ औद्योगिक नगरी है।